अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आज हम क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करेंगे और टैब पे एनालिसिस कर रहा हूँ। ये आपके लिए भी इजी होगा समझना और मेरे लिए भी इजी होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन अभी 29,330 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन के नीचे आने के चांसेज हैं। बिटकॉइन ने टच किया है 29,700 को और उसके बाद बिटकॉइन जो है वो नीचे आ गया है दोबारा से और ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। अब रेजिस्टेंस एरिया बना है तो साफ जाहिर है कि बिटकॉइन को एक सपोर्ट भी चाहिए। सपोर्ट जो है वो बिटकॉइन की मैंने आपको बताया हुआ था कि 28,500 से लेके 28,800 के अंदर अंदर ये एक सपोर्ट बनेगी, जो कि पहले भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले भी एक सपोर्ट बन चुकी थी। अब दोबारा से ये रेजिस्टेंस को टच करके वापस आया है तो दोबारा इस सपोर्ट को हासिल करके बिटकॉइन ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनी है, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखेंगे तो आपको मज़ीद थोड़ी सी समझ आ जाएगी। मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा, ये देखें, ये जो ट्रेंड लाइन अगर आप इसको काफ़ी ज़्यादा जूम आउट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि बिटकॉइन काफ़ी अरसे से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता आ रहा है। अब जहाँ से ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई थी इसको यहाँ पे भी टच किया है, यहाँ पे भी टच किया है और दोबारा यहाँ पे भी टच करने की तैयारी हो रही है। अब ये जो बिटकॉइन का एक सपोर्ट एरिया है, ये काफ़ी बड़ा सपोर्ट एरिया है। अगर इसको जो है वो ब्रेक करके बिटकॉइन नीचे आता है तो दोबारा से बिटकॉइन जो है वो हमें 25,000 के अराउंड भी देखने को मिल सकता है। ये एक कोई अच्छी खबर तो नहीं है, देना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये खबरें आपको देना बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट अगर बिटकॉइन के अंदर पड़ी हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि बिटकॉइन से हमने एग्जिट कब करना है और नई एंट्री हमारी कब होनी चाहिए। अभी तो फिलहाल आप कब लॉन्ग की पोजिशन ओपन करने की बिल्कुल भी मत सोचें। बिटकॉइन का जो बिटकॉइन की जो कंडीशन है वो कुछ अच्छी नहीं है। आगे चलते हैं, एथेरियम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एथेरियम भी अभी साइडवेज ट्रेंड के ऊपर ही चल रहा है। देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा नीचे आने की कोशिश भी एथेरियम कर रहा है। यहाँ से आप देखें तो एक ये साइडवेज भी आप कह सकते हैं कुछ हद तक, और कुछ हद तक आप ये भी कह सकते हैं कि एथेरियम जो है वो ऊपर से एक रेजिस्टेंस एरिया अपना बनाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। खैर, ज़्यादा बारीकी में नहीं जाते, हम ये सोचते हैं, देखते हैं कि एथेरियम के नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। एथेरियम का नेक्स्ट मूव जो है इस पैटर्न को देखते हुए, ये जो बड़ा सारा पैटर्न आपको नज़र आ रहा है इस पैटर्न को देखते हुए, तो एथेरियम की जो मूव है वो हमें यही लग रही है कि एथेरियम हमें दोबारा से कुछ इस एरिया के अंदर देखने को मिलेगा जो 1740-50 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो एथेरियम के अंदर भी अगर आपने एंट्री लेनी है तो आपकी जो एंट्री है वो अराउंड कुछ यहाँ पे बनेगी 1750 के अंदर अंदर। यहाँ से अगर आप एंट्री करते हैं तो एक लॉन्ग की पोजीशन आप ओपन कर सकते हैं मार्केट की कंडीशन को देखते हुए, और वो लॉन्ग की जो पोजीशन है वो आपकी अराउंड बनेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट होगा वो 1880 के अराउंड बनेगा और आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपने रखना है सिर्फ़ और सिर्फ 3-4% के साथ। ज़्यादा स्टॉप लॉस आपने नहीं रखना और आपका जो स्टॉप लॉस है वो बनेगा अराउंड 1795 के ऊपर। तो इस तरह से आपकी प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट कुछ 7-8% एथेरियम से लॉन्ग की पोजीशन ओपन करके बन सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये एथेरियम और बिटकॉइन की शॉर्ट अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की शॉर्ट अपडेट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।